The champion already. They won our heart today. They are the real champion. Go ahead. जी जनाब, ये सेलिब्रेशंस हैं जो कार्डिफ में हो रही हैं। पाकिस्तान फाइनल में पहुंच गए चैंपियंस ट्रॉफी के, जिस किसी को भी उम्मीद नहीं थी। और आज का मैच इतना सख्त था कि जिस तरह लेकिन पाकिस्तान खेला, कुछ समझ नहीं आ रही कि खुशी का इज़हार किस तरह करे। तो हमने सोचा कि वहीं जो तमाशाई हैं, और यह है हमारे दोस्त फैज़ान साहब ने हमें वीडियोज़ वहाँ से बना के भेजी, जियो के स्पोर्ट्स रिपोर्टर हैं फैज़ान लाखानी ने, उनसे हमने दरख्वास्त की थी कि वहाँ जो भी सेलिब्रेशंस का मूड है। आज क्या मैच हुआ है, मतलब मुझे समझ नहीं आ रही कि ये वही टीम थी जो पहले मैच के बाद, जिस पे पूरी कौम लगी हुई थी कि जनाब ये क्या भेज दिया, इससे बेहतर था कि आप ना ही भेजते, ये हो जाता कोच के ऊपर। मुझ समय सब हमारा 0-2 क्रेजी बहुत तेज है, बहुत ज्यादा मतलब मुसीबत मीटर जो है ना, वो हम यूं स्विंग मारते हैं। सही बात है, फरारी से भी तेज जाता है। सही बात, बिल्कुल। अच्छा जनाब, आठ और आज क्या मैच था? इंग्लैंड ने तमाम पूल मैचेस जीते, और आज के मैच में एक छक्का भी नहीं लगा सके, 15 चौके। आखिरकार आज ईस्ट इंडिया कंपनी का बदला हमने उतार लिया। इंपीरियल कोहिनूर मिले या ना मिले, वो एक अलग बात। इंपीरियल इंडिया कंपनी के 90 साल का बदला ऐसे ही उतर, ऐसे ही होता है सर। द मिल्स ऑफ गॉड ग्राइंड स्लो, एग्जैक्टली। ये आजादी की 70वीं सालगिरह है, यही अभी। लेकिन एक मंजिल बाकी है, वो है फाइनल। दोनों के दरमियान बांग्लादेश के खिलाफ इतनी टेंशन नहीं है जितनी इंग्लैंड इंडिया के खिलाफ है, बस ये आपको भी पता है। ये तो मुझे पता है, फिर वो क्रिकेट है, वो फिर जंग बन जाती है। जंग बन जाती है, बिल्कुल। लेकिन बांग्लादेश भी अच्छा खेल रही है। पहले तो कल सारे पाकिस्तानी बांग्लादेश के लिए दुआ कर रहे होंगे कि ये पहले इंडिया को मार दें, ताकि हम जो है फाइनल में आ करके ना हमारा चांस बन जाए। ऑल्दो इंडिया के साथ जो फाइनल्स की अभी मेरे जो हमजाद हैं, हम नाम हैं जियो में, मुबशर अली जैदी साहब, उन्होंने भी एक कोई क्रोनोलॉजी जो है शेयर की है फेसबुक पे। उन्होंने कहा अब तक 6 टूर्नामेंट्स के फाइनल में हम इंडिया के साथ खेले हैं, जिसमें 4 हमने जीते हैं। अच्छा। और उसमें शारजा वाला भी है, बेंगलोर वाला भी है, ढाका वाला भी है। जो हम हारे हैं 1985 में वर्ल्ड कप में हारे थे इंडिया से, उसके अलावा भी एक और टूर्नामेंट में हम हारे हैं। तो स्टैटिस्टिक्स अगर मैटर करते तो मेरे ख्याल में हमारी टीम जो है, हमारी टीम जो 8वें नंबर की टीम, जिसको क्वालिफिकेशन के लाले पड़े हुए थे, वो वेस्ट इंडीज़ को हरा करके उन्होंने अपनी पोजीशन सिक्योर की और 8वें नंबर पे आए। और 8वें नंबर पे जब हमने पहला मैच हार दिया अपना इंडिया के साथ, तो अब था कि बिल्कुल गए। और उसके बाद हमने वर्ल्ड की नंबर 1 टीम को बाहर कर दिया, साउथ अफ्रीका। अच्छा, आज अगर पाकिस्तान की फील्डिंग देखी जाए सर, तो बहुत ही कमाल थी। अब मैच देख के आए लग रहा है, और जाहिर प्रोग्राम में बोलना भी होता है। बॉलिंग जो है वो आपके सामने है, बैटिंग आपके सामने है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे, मुबशर साहब जी, जी मुबशर, मुबशर हाँ, मुझे पता है कि जब आपने साबित कर दिया कि आप ये सब कर सकते हैं, तो फिर चक्कर क्या हो जाता है सर? मेरे ख्याल मेरे लोग को यूज तो नहीं करना होता ना सर। और दूसरा ये कि जब तक मजा नहीं आता हमें कि हम बिल्कुल जो है ना, वो हम उस वक्त उठते हैं जब पूरी दुनिया कहती है कि अब ये खत्म हो चुके हैं, लेट चुके हैं, सारा कुछ हो गया, उसके बाद हम खड़े हो जाते हैं। हम कहते हैं कि आपने अक्सर देखा होगा WWE में जो फाइट्स होती है ना, जब वो बिल्कुल खत्म है, कुर्सियां टूट गई, उसके सर के ऊपर खून निकल रहा है, पता नहीं कहीं से वो चीफ दौड़ के आता है और उसके बाद एक हाथ हिलना शुरू होता है उसका। लेकिन देखिए ये जो आप ना, आप पता है नफ्सियात है या ये नफ्सियात है सर? मेरे ख्याल में देखें, एक तो ये था कि टीम जिस तरह गई, और पहला
इंडिया के साथ मैच होना प्रेशर था और सब ये था, पर पूरी कौम भी आपको पता जज्बाती, उन्होंने कहा जी और कुछ नहीं चाहिए जी, इंडिया को हरा दो बस, बाकी हमारे लिए यही काफी है चैंपियंस ट्रॉफी। देखिए पोस्ट मैच एनालिसिस जो होता है वो बड़ा आसान होता है, मैंने यही देखा exactly. मतलब क्रिकेट के बारे में कुछ भी ना जानते हुए मैंने देखा कि ये कोई भी कर सकता है, जैसे मैं यहाँ नहीं बिल्कुल अब देखिए अब देखो मैं भी बात कर सकता हूँ कि जी आप पहली दफा हमने देखा है कि आपके जो ओपनिंग टॉप पहली बार हुआ है कि पाकिस्तानी ओपनर्स ने 100 रन से ज्यादा की शराकत की है किसी भी मैच। अब देखो अब ये है ना जीतने वाले स्टैट्स, हाँ हार गए होते तो उसके भी एक अलग स्टैट्स होते कि जी ये तो देखें अब ये होता है पिक गई है टीम। मैं इन चीजों को नहीं मानता क्योंकि मैं इन चीजों के बारे में जानता ही नहीं हूँ, जो मैं जानता ही नहीं हूँ मैं मान कैसे सकता हूँ, राइट। मैं जानता हूँ जादू टोने, अच्छा मजाक के अलावा मतलब के महबूब आपके कदमों में, वो बचपन में बड़ा शौक था अफरीदी का बल्ला गाड़ दिया के ब्लैक मैजिक सारी चीजें। और एक चीज नोटिस की है सर, मैंने नोटिस नहीं की, पूरे सोशल मीडिया ने नोटिस किया, भारत में इसके ऊपर बकायदा आर्टिकल्स छपे हैं सर, वो है हमारी सीक्रेट वेपन पाकिस्तान टीम की, और वो है ज़ैनब अब्बास साहब। ज़ैनब अब्बास साहब है दुनिया न्यूज में स्पोर्ट्स एनालिसिस करती हैं, नाम सुना है आपने? ठीक है, तो उनका एक नया अभी सुना है ज़ैनब अब्बास पर बात करेंगे, अच्छा ठीक है। ज़ैनब अब्बास साहिबा का एक पैटर्न नजर आता है, ठीक है, और वो है एक जादू की सेल्फी, जादू की जफ्फी के बारे में तो आपने सुना होगा ना, ये है जादू की सेल्फी। अब थोड़ा सा आप देखें, मैं इसकी हिस्ट्री आपको बताता हूँ, ठीक है, ये मेरे स्टैट्स है, क्रोनोलॉजी टाइम लाइन जिसको हम कहते हैं, ठीक है। विराट कोहली के साथ सेल्फी खींची ज़ैनब, ज़ैनब वही है ना मैच पे रिपोर्टिंग कर रही है कार्डिफ में, विराट कोहली के साथ खींची, विराट कोहली डक में आउट हो गए, ठीक है, मैच हार गए, मैच हार गए। फिर डिविलियर्स, हाँ साउथ अफ्रीका का कैप्टन, वर्ल्ड नंबर वन टीम, वर्ल्ड नंबर वन टीम के कैप्टन के साथ सेल्फी खींची एबी डिविलियर्स, और पहली दफा जिंदे अपनी पूरी करियर में गोल्डन डक पे आउट डिविलियर्स, ठीक है। अभी इनकी हाल में ही एक नई तस्वीर आई थी, ठीक है, और ये पहली दफा तो लोग मजाक में बात कर रहे थे, अब मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी अवाम, मैं तो अब इसको बिल्कुल मानने लग गया, क्योंकि आपको पता है कि क्रिकेट मैच में और खासतौर पर जो अहम क्रिकेट मैच है सबका एक अपना टोटका होता है, कोई ना कोई एक दोस्त है वो कहता है कि जी 92 मैंने ये शर्ट पहनी थी तो मैं यही शर्ट पहनूंगा, आपका कोई टोटका है? उम्र है भैया, अच्छा एक ज़ैनब अब्बास लाइन पे है, ज़ैनब अब्बास साहिबा लाइन पर है। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब, थैंक यू मच फॉर जॉइनिंग अस, और आप मुझे बताएं सबसे पहले तो आपने किसी पाकिस्तानी क्रिकेटर या क्रिकेट कैप्टन के साथ तो सेल्फी नहीं ली ना अभी तक? लेकिन ये जरूर कहेंगे कि कल कोहली के साथ एक दफा दोबारा से लेंगे, कोहली के साथ बिल्कुल, वही कल मैच जो भी टीम जीते ना बस आपका पहला काम होना चाहिए उसके कैप्टन। लेकिन ज़ैनब तो ज़ैनब आपका नाम इंटरनेश्नल मीडिया जो है उसमें एक इश्तिहारी मुलजिम के तौर पे छाप दिया गया है, कोहली शोली सब तुम्हें देख के भाग जाएंगे। यकीन माने मुझे लिटरली श्रीलंकन का जो जर्नलिस्ट हमारे साथ बैठे हुए थे वो मुझे घूर घूर के देख रहे थे और मुझे यही कह रहे थे यू स्टे अवे फ्रॉम, आप वो सेल्फी वाली ज़ैनब तो नहीं है? यही बातें हो रही थी। अच्छा वैसे ज़ैनब मतलब सीरियसली आप मतलब माशाल्लाह इतनी पॉपुलर हो गई हैं कि मैं एक ट्वीट की थी तो उसके ऊपर कोई 1000 रिप्लाईज आई हैं, 1000 नहीं चले 150-200 आई हैं, जिसमें लोग कह रहे हैं कि जी 12th मैन, दिस इज द मोस्ट वैल्यूएबल मेंबर ऑफ द पाकिस्तान क्रिकेट टीम, कोई लोग कह रहे हैं कि बिल्कुल जैसे अपने न्यूक्लियर एसेट को सेफ रखते हैं आप ज़ैनब अब्बास साहिबा को भी प्लीज सेफ रखें ताकि कुछ ऐसा ना हो जाए, और लोगों ने बकायदा लिस्टें भी दी है कि जी हमारी भी रिक्वेस्ट है, ये मेरा पुराना दुश्मन है इसके साथ अगर आप सेल्फी ले लें तो शायद ये भी गलत हो जाए। और वापस आएंगी तो यू वोंट फाइंड, आपको तो पॉलिटिकल पार्टीज बाकायदा आपको इमरान खान और नवाज शरीफ आप इसके जलसे में जाएं और वहां पे सेल्फी ले लें। अच्छा नहीं मेरे यकीन वाले मुझे इस तरह की ट्वीट
मेरे जहन में एक बात है कि हो सकता है आपको भारतीय खिलाड़ियों के साथ तो सेल्फी लेने का वो लोग मौका ना दें, लेकिन आप ये जरूर कर सकती हैं कि भारतीय टीम की जाहिर है जो टीम अनाउंस होगी उसकी एक लिस्ट होगी, उस लिस्ट के साथ सेल्फी ले लीजिए। अब ये भी देखना होगा ना कि सिर्फ लिस्ट पे काम चलेगा या एक्चुअल बंदा चाहिए। मैं आपको ये बताऊं कि ये इंडियंस इतने सुपरस्टिशियस हैं कि वो असल में इस चीज को इतना सीरियसली ले रहे हैं कि मुझे असल में लग रहा है कि मुझे शायद वो बैन कर दे अगर तुम। सही बात है। अच्छा ज़ैनब, आप क्योंकि कार्डिफ में मौजूद थी, आज पाकिस्तान की जो हैरत अंगेज़ ये कारकर्दगी है, सब बात कर रहे हैं और जिस तरह से अचानक राइज हुआ है, तो आप तो वहाँ टीम के साथ इंटरेक्ट भी कर रही, क्या लगता है क्या चीज़ थी जिसने हमारी टीम को अचानक एक सुपर टीम बना दिया सेल्फी के अलावा? देखिए पाकिस्तान का मैं आई सीरियसली बिलीव के जब पाकिस्तान को एक वो जोर से एक झटका मिलता है ना, जो जो हमें इंडिया के खिलाफ मिला था, उसके बाद पाकिस्तान का वाकई इतनी मेरा ख्याल है जिसे कहते हैं क्रिटिसिज्म हुई, तनकीद हुई टीम के ऊपर भी, प्लेयर्स के ऊपर कि जी इतनी बुरी परफॉर्मेंस थी, कि उसके बाद दे रीग्रुप उन्होंने कुछ चेंजेस किए, आपको पता होगा वहाब को भी निकाला, फिजाद को निकाला, तो वो एक आई थिंक एक तो चेंजेस से बड़ा फर्क पड़ा, और फिर एक पाकिस्तान इज ऑलवेज बीन अ टीम ऑफ मोमेंटम, यू नो अगर आप 92 का वर्ल्ड कप देख लें या आप ये वर्ल्ड टी 20 जो हम इंग्लैंड में ही जीते थे 2009 में, तब भी हमारी टीम उस तरह से कुछ खास नहीं थी, लेकिन जब इनका मोमेंटम एक बन जाता है ना, एक विनिंग मोमेंटम, तो वो फिर उसके बाद इनको रोकना मुश्किल हो जाता है। तो लेकिन फिर भी आई वुड से आई एम स्टिल शॉक्ड, यहाँ जितने भी लोग हैं वो भी जर्नलिस्ट भी शॉक्ड हैं, इंग्लैंड के अपने जितने भी यहाँ पे आए हुए हैं सहाफी वो भी शॉक्ड हैं, क्योंकि इतनी क्लिनिकल परफॉर्मेंस तो पाकिस्तान मुश्किल से ही देता है कि मतलब इतना कॉम्प्रिहेंसिव ही हराना। बट आई फील इसमें बॉलर्स को बहुत क्रेडिट जाता है, द वे दे बोल्ड देयर हार्ट आउट, यहाँ पे इंग्लिश कंडीशन में वो उनके जो कैप्टन था वो रो रहा था बाद में कि उस पिच और एक नई पिच होनी चाहिए थी और ये होना चाहिए था, बट द वे वी बोल्ड आई थिंक फुल क्रेडिट टू देम, क्योंकि आजकल के जमाने में आप देखिए 300 हो रहा है, 350 हर टीम कर रही है, हमने उनको 211 पे रिस्ट्रिक्ट किया। सही बात, मेरे मुताबिक फुल क्रेडिट टू द बॉलर्स। और फिर उसके बाद आपने नया एक लड़का हमारा ओपनर आया फख्र जमान, ही टुक देम ऑन, सो आई फील लिटरली ऑल क्रेडिट टू अब हम लोग यहाँ पाकिस्तान में रह करके वी कीप आर फिंगर्स क्रॉस्ड, आप वहाँ यू कीप योर सेल फोन्स क्रॉस्ड, क्योंकि वहाँ पर बस कल आपका जो पहला टारगेट ये है कि जो टीम जीतेगी उसके कप्तान को पकड़ना है। अच्छा ये बात बताओ, जब ज़ैनब पाकिस्तान आएगी तो हमारे साथ उसे सेल्फी ले? नहीं नहीं, लेकिन जो हमारे टाइम स्लॉट में जो दूसरे शोज हैं उनके साथ हम सेल्फी ले सकते हैं। थैंक यू ज़ैनब, थैंक यू ज़ैनब सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। ये थी ज़ैनब अब्बास, हम बात कर रही थी कार्डिफ से। इसके बाद एक छोटा सा वक्फा लेते हैं और वापस आते हैं तो दूसरे कौमी खेल की तरफ, दूसरे कौमी खेल की तरफ बात करेंगे। एक वक्फा ले लेते हैं। वेलकम बैक, और दूसरे कौमी खेल की बात करते हैं जो कि पानामा लीक्स है। पानामा पेपर्स की तहकीकात जारी हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में दोबारा से पेशी हुई JIT की, और जो सारा मामला चल रहा है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने उस दरख्वास्त पर अपना फ़ैसला महफूज कर लिया जो हुसैन नवाज की जानिब से जारी की गई थी, जिसमें कहा गया था कि इस बात की तहकीकात होनी चाहिए कि उनकी तस्वीर लीक कैसे हुई। उसके अलावा JIT ने जो इल्ज़ाम लगाए उसके ऊपर भी अदालत ने अपनी ऑब्जर्वेशंस दी हैं, और उन्होंने ये कहा है कि JIT की मुश्किलात जिनके बारे में उन्होंने तस्करा किया था उसको दूर होना चाहिए। और समाअत के आखिर में जब बेंच उठने भी लगा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की तरफ से एक दरख्वास्त भी दायर की गई जिसमें ये कहा गया है कि वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़जाना इसहाक डार जो है वो पानामा तहकीकात में रुकावट डाल रहे हैं। कमोबेश वही बात जो कि JIT ने अपने उसमें कही है। ये तो आपने समरी पेश कर दी, मज़ा नहीं आ रहा है। बात जो मज़ेदार हुई है ना, मज़ेदार बात बताओ इसी के लिए तो आप, वो बड़ी मज़ेदार है, वो मज़ेदार है। ख्वाजा हारिस जो हुसैन नवाज के वकील हैं जिन्होंने कहा कि फ़ोटो लीक्स पर कमीशन बनाया जाए, उन्होंने कहा जी कि कल मियाँ साहब पेश हो रहे हैं और अगर उनकी वीडियो सोशल मीडिया पे आ जाती है तो फिर क्या विल बी रिस्पॉन्सिबल देना।
अगरचे के वीडियो रिकॉर्डिंग की कानून में कोई हैसियत नहीं है, मगर बकौल ख्वाजा हारिस इससे गवाह पे नफसियाती दबाव पड़ता है। जीआईटी के इतराफ से जाहिर होता है कि जीआईटी के कैमरों पे खुद जीआईटी का कंट्रोल नहीं है। क्या जीआईटी अदालत का भी मुतबादिल है जिसने अस्खुद फैसला कर लिया कि वीडियो लीक्स के मुलजिम को वापस उसके इदारे में भेज के इंजबाती कार्रवाई भी कर दी जाए, और ये फैसला भी कर लिया गया कि ना इस शख्स का नाम बताया जाएगा ना इदारा बताया जाएगा, तो क्या ये कोई पैरेलल इदारा अदालत है या जीआईटी है? ख्वाजा हारिस मुझे तो प्यारे लग रहे हैं। इस पर जस्टिस एजाज अफजल ने कहा कि वीडियो रिकॉर्डिंग बयान को सही जो होता है वो बेसिकली जो सही तनाजुर होता है बयान का उसको मेंटेन रखने के लिए होता है। लिखत में समझ नहीं आती। तो ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि वीडियो टेक्नोलॉजी से पहले भी बयान की दुरुस्तगी कलमबंद करने का कोई ना कोई तरीका तो होगा। तो जी हाँ, तो जस्टिस एजाज अफजल ने कहा कि जी हम 1889 में नहीं रह रहे हैं, और मेरा ख्याल है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इतना बड़ा मसला नहीं है कि उसे बात का बतंगड़ बनाया जाए। जस्टिस साहब ने यह भी कहा कि वीडियो रिकॉर्डिंग से जाहिर है गवाह के हकूक मुतासिर नहीं होते, लिहाजा रिकॉर्डिंग जारी रहनी चाहिए। और फिर उन्होंने साथ में अपने तौर पर अटॉर्नी जनरल से मुखातिब होते हुए कहा कि देखें जनाब, GIT के इल्ज़ाम जो आए हैं, रिपोर्ट जो पेश की है उस पर भी आपको तफसील गौर करना चाहिए। अदालत JIT की कार्रवाई में कोई रुकावट बर्दाश्त नहीं करेगी, ऐसा करना अदालती हुक्म के ख़िलाफ़ जाने के मुतरादिफ होगा। यानी मुझे ऐसा लगता है कि आज की कार्रवाई में सुप्रीम कोर्ट का जो वज़न था वो GIT के पलड़े में था। नहीं, और देखें होना भी चाहिए, जहाँ तक पिक्चर लीक का सवाल है तो GIT इज़ अनस्टेबल, और कोई इसमें अनस्टेबल नहीं है। लेकिन यार ये लेकिन उनसे आंसर मांगा नहीं जा रहा। वही वही वही, लेकिन दे शुड बी आस्क ना यार, मैं तो शुड बी की बात करता हूँ ना सर, मैं जवाब तो मांगा जाना चाहिए। लेकिन जो मजेदार, लेकिन अगेन आई एम सॉरी, ये जो वीडियो रिकॉर्डिंग वाली बात है ना यार, ये बहुत ही फनी है, बिके दबाव पड़ जाता है और गवाह खौफ ज्यादा हो जाता है। तो मतलब अगर हम इस लॉजिक को थोड़ा आगे ले जाएं, चुप चुप तो क्यों थोड़ा आगे, अभी नहीं ले जाना, अभी ना ले जाएं, अभी रोक लें, अभी सस्पेंस मैं पॉज कर लेता हूं वीडियो रिकॉर्डिंग, वरना ये वीडियो भी लीक हो जाएगी, ये भी लीक हो जाएगी। एक ब्रेक ले लें, एक ब्रेक ले लें, उसके बाद इसी पे। वेलकम बैक। आई एम सॉरी अगर हम थोड़ा सा सहम कर बोल रहे हैं, इसलिए कि हमारी भी रिकॉर्डिंग हो रही है और जैसे आपको पता है इससे काफ़ी दबाव पड़ जाता है। यूट्यूब पे तो वैसे ही लीक होती है, यूट्यूब पे तो वैसे ही लीक होती वैसे GIT में हमारा भी नाम, हमें GIT में हमारा भी नाम है, लेकिन सर वो ऐसे नहीं है, आप डिसअपॉइंट होंगे अगर आप उसकी डिटेल पढ़ेंगे, उस पर भी मैं आता हूँ। ये जो यार बात है ना कि नफसियाती दबाव पड़ जाता है, बहुत गवाह खौफ सदा हो जाता है रिकॉर्डिंग से, इस लॉजिक को अगर हम थोड़ा सा आगे ले जाएँ, हाँ तो आप कभी ATM से पैसे ना निकालें, वहाँ भी एक वीडियो लगा होता है, आप खौफजदा हो जाते हैं, मेरे बाल तो सही नहीं है, मेरे लिबास सही नहीं है, था CCTV कैमरा हर जगह लगे होते हैं, लंदन से ज्यादा खौफजदा सिटी तो है ही नहीं शहर में। आसिम हुसैन सेफ सिटी को भी बिल्कुल ही खौफजदा नहीं हुए थे, वजीर दाखिला ही था जो बात कर रहे थे कि हम लीक कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। जस्ट इन अ कॉन्टेक्स्ट, जो हारिस साहब ने कहा था, जिसकी तरफ आपने थोड़ा सा तस्करा किया, उन्होंने कहा क्योंकि ये लीक हुई थी फुटेज जो पहले वाली है हुसैन नवाज की, तो लिहाजा अब अगर वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे वो भी लीक हो गई तो उससे दबाव पड़ेगा। बेसिकली इट वाज इन दैट कॉन्टेक्स्ट। रिकॉर्डिंग तो देखो सुप्रीम कोर्ट में भी होती है, आई बीन कवरिंग सुप्रीम कोर्ट, तो बाकायदा रिकॉर्डिंग होती है सुप्रीम कोर्ट में, ट्रांसक्रिप्ट बनते हैं जिनको जाहिर है जो जजमेंट्स लिखी जाती हैं उसमें वो वर्ड बाय वर्ड वो चीज़ होती है, तो इसमें इस कॉन्टेक्स्ट में थे। बट आई एग्री कि भाई अगर एक पहले मोडस ऑपरेंडी तय हुआ हुआ है तो उसके ऊपर एतराज़ करना, वो तो जब तक सुप्रीम कोर्ट इजाज़त नहीं देगी आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये तो ऐसे है ना सर कि फिंगरप्रिंट्स नहीं लेने चाहिए, क्योंकि एक ज़माने में फिंगरप्रिंट्स के बगैर भी इन्वेस्टिगेशन हो जाती थी। इट इज़ अ रिडिकुलस थिंग टू से, चाहे इसका जो भी कॉन्टेक्स्ट हो। अच्छा, रिडिकुलस की बात करें तो एक और भी बड़ी मजेदार बात हुई, आपने कहा ना कि हमारा
मेंशन हुआ है तो यार ये चेक करें कितने पेजेस हैं इसके अंदर 110 टोटल पेजेस उन्होंने जमा कराए थे जिसमें से मीडिया के बारे में भी कोई 70-80 पेजेस हैं और ये जो एनेक्स्चर्स हैं इनका जो टाइटल दिया हुआ है अब मैं सामने नहीं है मैं अपनी याद से ही बताता हूँ कि बैशिंग ऑफ JIT / सुप्रीम कोर्ट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यार अब मतलब आप कहते हैं कि यार इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते यार ये आपने इनकी इन्वेस्टिगेशन देखी है यार एक पेज दो पेज तीन पेज चार पेज कुछ 7-8 पेजेस हैं और बकायदा क्लिप 1 शो का नाम टुनाइट विद मोहित दुनिया न्यूज नया पाकिस्तान जियो न्यूज जवाब चाहिए 92 न्यूज और पूरे ना सिर्फ के एंकर के की क्या तजिया कि तजिया कारों ने क्या बोला है इसके अंदर इसका मतलब है कि आपने एक्चुअली यू टुक द टाइम कि आप इन सारी चीजों को देखें आप इन सारी चीजों को ट्रांसक्राइब करें और इनको ऐड करने के जी ये बैशिंग हो रही है हो सकता है इससे केस मजबूत हो नहीं हो सकता है कि इससे केस मजबूत हो लेकिन मुश्किल है कह रहे हैं ना कि जो आपका काम है इन्वेस्टिगेशन अगर वो कर लें ये बाकी चीजें छोड़ दें वरना एंड में आप वो 16 साल लड़की की तरह सॉरी टू से होंगे कि जो जाके शिकायत लगा मुझे छेड़ा इसने और ये किया वो करा तो आप अगले सबमिशन में ये लाइन तो 100% एडिट है ओके मैं अभी से बता रहा हूं मैं लात तालुकी का हिसाब कर रहा हूं यार खुदा के लिए लेकिन वो वही बात है ना कि जैसे मतलब आप मीडिया को मॉनिटर करके उसके ट्रांसक्रिप्ट बनाए फॉर गॉड सेक आप वक्त जाया कर रहे हैं अपना कितना इसमें टाइम निकला होगा यार बॉस जब पैमेला नोटिस भेजता है तो वो इतना हैवी काम नहीं करता इससे बेहतर है आप फिल्म देख लें रात को थोड़ा मतलब नहीं अच्छा सिर्फ ये नहीं हुआ एक और भी है ना एनएक्सचर उसके साथ बैशिंग ऑफ JIT/SC ऑन सोशल मीडिया अच्छा उसमें अच्छा एक चीज और होती अगर ये सिर्फ टाइटल इसका होता mentions of JITSC वो एक अलग बात है आपने bashing का लफ्ज इस्तेमाल किया अच्छा bashing में क्या क्या है यार मतलब मरियम नवाज शरीफ ने एक कोई कुरानी आयत दी है शायद उस कॉन्टेक्स्ट में दी होगी उसको आपने bashing समझा हुआ है हाँ अच्छा हमारा भी unfortunately यार इलेक्ट्रॉनिक एफआईआर में हमारा नाम भी है नहीं नहीं है ना यार यही तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको मिस इन्फॉर्मेशन हुई है एक तो पूरी वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग में हमारा कहीं जिक्र नहीं है कि मतलब ये भी हमें नहीं देखते ठीक है ना ये मतलब अब ये दिन भी देखने हैं केबल वाले भी जो है वो पता है उस इलाके में शायद ना आता हो सही बात है हमारे सिर्फ एक ही में है और वो है हमारे वो जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है ना जरा हटके वाला उसके अंदर व्हाट्सएप कॉल का जो हैशटैग है उसको हाईलाइट किया हुआ है कि जी ये देखें ये भी व्हाट्सएप कॉल पर बात कर रहे हैं हैशटैग तुम गद्दार आदमी तुमने हैशटैग लगाया कैसे नहीं मैंने नहीं लगाया था ये मेरे प्रोड्यूसर ने लगाया था वैसे भी लगाता हूं कि गद्दार का और उसके साथ मतलब पूरे ट्विटर ट्रेंड का भी दिया हुआ है कि जी ये हैशटैग भी लिखा हुआ है लेकिन उसके अंदर शेम ऑन यू निहाल हो सकता है इसकी जरूरत हो इसमें क्या मसला है सर मेरा तो पता नहीं है मेरा जो अहमकाना इस पे जो तंजिया यही है कि आई एग्री विद मुबशिर हियर कि जो एक्चुअली चीज इन्वेस्टिगेट की जा रही है शायद बेहतर हो कि आप उसे इन्वेस्टिगेट करें क्योंकि थोड़ा सा और कॉन्टेक्स्ट दे देते हैं ना ऑपरेशन रदुल JITIT जारी है सब मोर्चों में बैठे हुए हैं मोर्चों से फायरिंग कर रहे हैं चीजें किसे समझता हूँ जो इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है बजाय इसके कि आप इधर उधर के ट्वीट वगैरह जमा करें कि ये जो JIT ने जब अदालत में बयान जमा करवाया रजिस्ट्रार को बिल्कुल ये किसने लीक किया इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और अदालत को इस पे ज़्यादा सेंसिटिव होना चाहिए फिर जो JIT ने अपनी रिपोर्ट में कहा है जी कि टेक्निकल ज़राए इस्तेमाल करके हमने मालूमात जमा की इसका क्या मतलब वायर टैपिंग की इसका क्या मतलब है ये अदालत को जाहिर है उससे पूछना चाहिए फिर अदालत को ये भी पूछना चाहिए कि जी ये बताइए कि डॉक्टर आसिम की जो वीडियो लीक हुई थी या सौलत मिर्ज़ा की जो वीडियो लीक हुई थी डेथ सेल से या अजमल पहाड़ी की वीडियो लीक हुई थी उसके बारे में वादा किया गया था जी तहकीकात की जा रही हैं तो वो तहकीकात कहाँ हैं और वो किसने लीक की थी ये तो तहकीकात में ही पता अच्छा अब मसला ये है कि डॉन का जो सिरिल अल्मीडा है उस पर तो हमने फुर्तियाँ मिसाली देख ली बिल्कुल सही हुआ अब इनके साथ भी वैसा ही किया जाए इतनी ही एफिशिएंसियां दिखाई जाए ना ये तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव चीज़ें हैं ये तो अदालत के बिल्कुल पैरों के नीचे से JIT के पैरों के नीचे से हुकूमत के पैरों के नीचे से कोई लीक कर रहा है यार तो सिर्फ एक को पकड़ के आप कैसे बैठ जाते हैं और बाकी जो हैं वो आपके सामने से हो रही हैं और आप जो है उन पे सवाल तक नहीं पूछ रहे अच्छा अब अगर सिर्फ आप इसी इन्वेस्टिगेशन की बात करें अजमल पहाड़ी वहाड़ी को छोड़ ठीक है अगेन एज आई सेड ऑपरेशन रदुल JIT जारी है ठीक है सब अपने मोर्चों से फायरिंग कर रहे हैं ठीक
ठीक है, अगर एकदम फायरिंग रुक जाए तो आप एकदम उठ के ये नहीं कहते कि जी आपकी गोलियां खत्म तो नहीं होगी, ये मेरे से एक पेटी ले लें गोलियां की और मेरे पास दोबारा चलाए। तो जो लोग इन चीजों पर फोकस कर रहे हैं कि जी JIT प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही या जो भी है, वो जब ये देखते हैं कि इतना बड़ा थद्दा है आपके पास, हाँ, कि ये क्लिप, ये बयान, ये ट्वीट, ये हैशटैग, तो सर आप एम्यूनेशन किसको दे रहे हैं? अपने पैर पर कुल्हाड़ी चला रहे हैं या किसी और के पैर पर कुल्हाड़ी चला रहे हैं? बिल्कुल, मुझे तो यही लग रहा है इन द एंड इस सारे के ऊपर इतना गन्ना पड़ जाए कि सब ये जो है ना exactly सारा प्रोसेस ही जो है यही तो मसला है। ये मुझे तो लग रहा है कि जैसे हुकूमत जो है वो भी डेथ विश का शिकार हो रही है और JIT भी डेथ विश का शिकार हो रही है, मुझे तो ऐसा लग रहा है। तो ये हमने उस दिन कहा तो था, कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरंदा शौक भी सी, तो बेसिकली हर तरह। और सुप्रीम कोर्ट को बहुत मौतबाना दरखास्त है कि आपको भी चाहिए कि JIT को फोकस कर दें कि भाई आप ये करें और जो भी रुकावटें उसको हटाया जाए, ये सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है, सुप्रीम कोर्ट ने ही ये चीज़ बनाई है। आई एम होपिंग कल अगर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ पेश होंगे, 17 तारीख को वज़ीर आला शहबाज शरीफ पेश होंगे, 24 को अब कैप्टन सफदर को भी बुलाया है, तो आप उनकी इन्वेस्टिगेशन करके come out with a conclusion. Yeah, no, that is the thing. अब देखिए यार, आपने कभी घोड़ों की रेस देखी है? रेस ग्राउंड में कभी गए हैं? तो आपने देखा होगा ना, घोड़े का एक ही काम होता है ना, फिनिश लाइन पर जल्द से जल्द पहुंचे। तो यहाँ पर वो ब्लाइंडर्स लगा देते हैं। अब साइड में क्राउड भी है, साइड में दूसरे घोड़े भी हैं, इसको भी चल रहा है, ताकि अगर ये नहीं होगा तो आप रेस पर आपका ध्यान नहीं होगा बॉस, आप इधर उधर देख रहे होंगे। और यहाँ पर सॉरी जस्ट वन लास्ट थिंग, यहाँ पर लोग ट्राई कर रहे हैं कि यार इस ट्रक की बत्ती के पीछे लगो, इस ट्रक की बत्ती के पीछे लगो, आप क्यों लग रहे हैं उन ट्रक की? नहीं, इससे भी ज्यादा आवाज मिसाल ये है कि मसलन जब आप कोई गली से गुजर रहा हो, हाँ, तो लौंडे तो शोर मचाते हैं, ओए ओए देख किधर जा रहा है, पैंट पहनी हुई है आज, क्या मतलब है, दांत बड़े निकाले हुए क्या? तो आप हर एक के पीछे अगर पत्थर लेके दौड़ेंगे तो आप तो वो गली पार नहीं कर सकते। आपका बुनियादी काम है उस गली से गुजर जाना, चाहे लोग कुछ भी करते रहे, क्योंकि आपने अपने मंजिल पर पहुंचना है। और अब देखिए ना, जब आपने तमाम इदारों के ऊपर इल्जाम लगाए, आज वो उन इदारों ने रिटन जवाब भी दे दिया, मतलब लॉ मिनिस्ट्री ने कह दिया, उन्होंने कहा जी 15 मई को जो है हुक्मनामा दिया था, 16 मई को अटॉर्नी जनरल ने हमें कहा और 2 दिन में हमने नोटिफिकेशन कर दिया, जिस बारे में इन्होंने ये कहा JIT वालों ने कि 5 दिन की ताखीर की गई। अब मसला ये हो रहा है कि इदारे एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के लिए इन दी एंड बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि किसकी बात माने? किसकी बात मानेंगे आपके स्टेट के सारे इदारे जो है ना, वो कह रहे होंगे नहीं जी ये ठीक है, वो कहेगा नहीं वो खराब है, वो कहेगा नहीं इसकी बात ठीक नहीं है, वो कहेगा, तो सुप्रीम कोर्ट फ्रस्ट्रेट हो जाएगी और कहेगी कि जनाब हमने आपको कहा था कि इन्वेस्टिगेट कर लें और हमें बता दें कि कोई मनी ट्रेल है, कोई सबूत है, कोई मनी लॉन्ड्रिंग का आपको सबूत मिला कुछ सारा। तो मुझे नहीं लगता, इट्स जस्ट 20 डेज लेफ्ट और बीच में अब ईद भी आ जाएगी लेफ्ट, और 15 पेजेस का आपका है ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड सोशल मीडिया स्क्रीनशॉट्स। हाँ, तो ये ज्यादा कोई कॉन्फिडेंस नहीं आता है इसको। और हम लोग भी जो बैठे ही हैं, फिर देख लीजिएगा 20 दिन के बाद देख लेना, सर रिपीट में देख लो, यूट्यूब पे देख लो, कोई मसला नहीं है। बट द पॉइंट इज कि, और दूसरी बात है कि बैशिंग, यार एक हैशटैग है बॉस, इसमें बैशिंग का कल JIT के सामने वजीर आज़म पाकिस्तान पेश हो रहे हैं या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पेश हो रहे हैं? सर मेरा तो ख्याल है कि वजीर आज़म पेश होंगे, मेरा तो ख्याल है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पेश होंगे। मेरा ख्याल है कि इससे क्या फर्क पड़ता है? नहीं, इससे बिल्कुल फर्क पड़ता है, इससे बिल्कुल फर्क पड़ता है, इसलिए कि आपने समन नहीं पढ़ा। समन में कहा है कि मुतल्लिका पेपर्स अपने साथ लाएं। मुलजिम, मुलजिम है ना? नहीं, मुलजिम क्या है इसमें? नहीं है, विटनेस है क्या? पेपर्स में नहीं, उनकी हैसियत क्या है इसमें? उनकी हैसियत एक विटनेस की होगी और वो आकर के उनसे बयान, मुलजिम की हैसियत नहीं, मुलजिम की हैसियत पेपर्स लाएं। जी पेपर्स लाएं, हाँ पेपर्स लाएं, क्योंकि तहकीकात कर रही है। अब चार लोगों को अगर बुला रहे हैं तो चारों मुलजिम नहीं होते, क्योंकि पनामा पेपर्स में वजीर आजम का नाम नहीं, उनके बच्चों का नाम है। तो क्योंकि लेकिन हुसैन नवाज ने कहा है मैं करोड़ों का गिफ्ट देता रहा हूं, तो उन्होंने कहा यार हम भी देखें यार ऐसे कौन है यार, मतलब कौन है? अच्छा बेटा है यार, हाँ यार सबको मतलब ऐसी तो वो उनसे पूछेंगे कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मियां साहब जो हैं वो अब डॉक्यूमेंट्स का बैग खुद लाएंगे।
अच्छा चलिए बहरहाल मेरे ख्याल कि अब इनसे भी तो पता लग गया कि ब्रेक लेने का टाइम आ गया है, मेरे ख्याल ब्रेक ही ले लेते हैं एंड इट्स एंड द टॉर्चर, इट्स एंड द टॉर्चर तसव्वुर में। हां जी बिल्कुल ब्रेक ले लीजिए, वो आप सोएंगे तो देखिए सर। वेलकम बैक। हाल में ही इंग्लैंड में दो दहशतगर्द हमले हुए हैं, एक मैनचेस्टर में और एक लंदन ब्रिज में, और बदकिस्मती से दोनों दहशतगर्द हमलों के पीछे एक मुसलमान दहशतगर्द ही था, सलमान आबदी, और दूसरे में खुर्रम भट्ट और उनके दो जो साथी थे। इसके बाद हमने ये भी बताया है कि उसके बाद कुछ तकरीबन अब 500-600 ब्रिटिश यूके के इमामों ने कहा है कि हम इनका नमाज जनाजा नहीं पढ़ेंगे। इसके बावजूद जाहिर है कि जब ऐसा ही कुछ होता है तो जो लोग नफरतें फैला रहे होते हैं वो उनकी एक फील्ड डे बन जाता है ना, वो अपना मंजन बेचने आ जाते हैं कि सर ये तो है ही ऐसे, इन सबको इस मुल्क से निकाल दो, ट्रंपी हो जाते हैं सारे, ट्रंपी हो जाते हैं, और ये एक नेचुरल बात भी है। आई एम श्योर कि किसी नॉर्मल बंदे के जहन में भी ये तो एक फीलिंग आती होगी ना कि यार यही लोग हैं जो हमें मार रहे हैं, कॉन्टेक्स्ट वॉन्टेक्स्ट छोड़े, हमारे यहाँ भी जो माइनॉरिटीज के खिलाफ होता है पूरी दुनिया में होता है यार, पूरी दुनिया में होता है ना, इट इज नेचुरल, इट इज नेचुरल राइट। तो आज एक और चीज हुई है जो इस पिक्चर का दूसरी साइड भी आपको दिखा रही है। वेस्ट लंदन में ग्रेनफिल हाउस है, एक बहुत बड़ी एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स है, हाउसिंग प्रोजेक्ट जो वहां पे कहते हैं, स्लाइटली लोअर इनकम लेवल के लिए, तो वहां पर एक आग लगी और अब तक पता लगा है कि तकरीबन 12 लोग जहां बहक हुए हैं, और अथॉरिटीज का कहना है कि डेथ टोल बढ़ भी सकती है क्योंकि बहुत ही, आप देख सकते हैं इस आग को, बहुत ही खौफनाक आग थी। अच्छा कुछ मिलती जुलती बातें भी इसमें लगती हैं जो आपको लगता है जैसे पाकिस्तान से है कि जैसे कि कोई फायर एस्केप का सिलसिला नहीं था, ठीक है, कोई फायर ड्रिल्स, फायर अलार्म्स, ऐसा कोई अर्ली वार्निंग सिस्टम, जबकि वो लोग इस बारे में बहुत पर्टिकुलर होते बहुत पर्टिकुलर हैं। अच्छा मैं इस पर और भी पढ़ा था, मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, लेकिन इसकी रीडिजाइन भी हुआ था तो जो सीढ़ियां थी उनको भी कम कर दिया था, तो तकरीबन मतलब हजार लोग, गरीबों का मोहल्ला कौन पूछेगा, राइट। तो अर्ली वार्निंग सिस्टम नहीं था और आपने आग की शिद्दत देख ली है, तो सिर्फ 12 लोग। अच्छा इसमें ऐसे भी खौफनाक स्टोरियां हैं, लोग जो चश्मदीद गवाह है वहाँ पर, जो ऐनी शाहिदीन है, उनका कहना है कि यार लोग 9th floor 10th floor से उन्होंने अपने बच्चों को फेंका दिया कि यहाँ तो उसने मरना ही मरना है, हो सकता है कि कोई उसको पकड़ ले, 1% चांस। अच्छा कहीं वो 1% चांस हुआ भी है, एक बंदे ने एक बेबी को पकड़ा भी है, ऐसा भी हुआ है। लेकिन इस पूरे इवेंट में मतलब हीरोज बहुत होते हैं जो मत करते हैं, इसमें मुस्लिम कम्युनिटी को लोग एक दफा मतलब खुलेआम से तस्लीम कर रहे हैं कि जी ये ना होते तो पता नहीं हम शायद बचते या ना बचते, वो क्यों, ये माह रमजान है। इस बिल्डिंग में मोरक्कन्स बहुत रहते हैं, पाकिस्तानी भी हैं लेकिन ज्यादातर मोरक्कन्स हैं जो मुसलमान हैं यहाँ पर, और वो सब सहरी के लिए जाग रहे थे तो सबसे पहले उन्हें पता लगा, तो फिर वो हर दरवाजे पर गए, लोगों को जगाया और वहां से निकाला। और एक वहां पर खातून थी, आज सुबह ही मेरे ख्याल बीबीसी ने शायद उनका इंटरव्यू लिया है, और बता रही हैं कि वहां की मुकामी मुस्लिम कम्युनिटी में यहां पर क्या रोल प्ले किया था, सुन लीजिए। Into the building. If it wasn't for all these young Muslim boys around here Big helping up. us, Big up. coming from mosque, Big up. The people would have dead. Enough more people would have dead. Enough more people. They want to talk about them when they do wrong and all these kind of things. When they're doing bad, when they're doing good, they were the first people with bags of water giving to people, helping people, running and telling people. थोड़ा सा एक्सेंट है, मैं थोड़ा सा तर्जुमा कर देता हूँ कि जी जब कोई बुराई करते हैं तो आप ये हर एक चैनल पर, हर एक अखबार पर ये होती है, और यहाँ अगर ये लोग ना होते, ये अपनी मकामी मस्जिदों से ना आते, हमारे मर जाते जी, बहुत सारे लोग मर जाते। इसके बाद फिर जो लोकल गुरुद्वारे हैं वहां पर भी लंगर चल रहा है, क्योंकि अगेन गरीब मोहल्ला है ना सर, कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनके पास अब वही सिर्फ अपने पजामे बचे हुए हैं जिनमें वो भाग के नीचे आए थे, कुछ नहीं है, टूथपेस्ट नहीं है, मतलब वॉलेट नहीं है, 2 pounds नहीं है उनके पास, गुरुद्वारों में, चर्चेज में, जो लोकल मसाजिद है वहां पर। और मेरा ख्याल है कि इससे बेहतर कोई एग्जाम्पल हम नहीं दे सकते
ماہ رمضان میں کہ جو اصل ہمارا جو مذہب ہے وہ انسانیت ہی ہے نا سر, بنیادی طور پر. تو یہ تو ہو گئی جی. اس کے علاوہ پاکستان میں بھی جو اب جس طرح کی خبریں یہاں پر آئی تھیں کہ سکھ برادری وہاں افطار دے رہی ہے, آج میں پڑھ رہا تھا کہ سکھر میں جو ہے کرسچنز نے افطاری کے لیے افطار رکھی مسلمانوں کی اور چرچ کے برآمدے میں انہوں نے نماز پڑھی. یہ دیکھیں واشنگٹن میں ایک سینگاگ کے بارے میں جانتا ہوں جہاں ہر جمعے کو نماز ہوتی ہے. وہ سینگاگ خالی کر دیتے ہیں, جو علاقے کی مسلم کمیونٹی آتی ہے آرام سے وہاں نماز جمعہ ادا کرتی ہے, اس لیے کہ اس ریڈیس میں کوئی بڑی مسجد نہیں ہے. تو انہوں نے کہا صاحب ہمارا سینگاگ جو ہے یہودیوں نے کہا استعمال کر لیں. اچھا وہاں یہ ایک روٹین کی بات ہے, مطلب ایک عرصے سے ہو رہا ہے یہ کام, تو وہ کوئی خبر نہیں ہے. لیکن جب مجھے پتا چلا تو مجھے ایسا لگا جیسے یہ کیا. ہاں نہیں اب دیکھیں یہ پتہ ہے میری ایگزیکٹ یہی فیلنگ تھی جب میں گیا تھا پہلی دفعہ استنبول. ہاں اور استنبول کا ایک علاقہ ہے بالکل میرے خیال بلو ماسک کے قریب ہی ہے, ایک مسجد ہے اس کے برابر میں شیئرنگ اے وال ایک سینگاگ ہے جو کردوبا کے زمانے کا بنا ہوا ہے جب وہاں سے یہودی فرار ہو کر آئے تھے نا سلطنت عثمانیہ میں, اور اس کے برابر میں ایک چرچ بھی ہے. اچھا ہندو یوتھ کاؤنسل نے بھی بہت افطاری آرگنائز کی ہے اور یہ یقیناً ایک بہت اچھی بات ہے. میں نہیں 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 یہاں پاکستان کی بات کر رہا ہوں, سندھ کی بات کر رہا ہوں میں. ایک اور اس طرح کی سٹوری ہے اور وہ ہے عمر کوٹ سے, ہمارے عمر کوٹ کے رپورٹر نے ہمیں بتایا تھا اس کے بارے میں, کچھ ویژولز بھی ہیں. ایک ریٹائرڈ کلرک ہیں اریگیشن ڈپارٹمنٹ کے, رمیش پجیر, ٹھیک ہے. تو انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی, انہوں نے کہا کہ جی میں اپنی وصیت میں لکھ رہا ہوں اور میرے بیٹے میرے سامنے گواہی دیں گے اس بات کی اور یہ اس کی تعمیر کریں گے کہ میری ایک آنکھ کسی غریب مسلمان کو جانی چاہیے اور میری ایک آنکھ میں مرنے کے بعد میری ایک آنکھ کسی غریب نان مسلم کے پاس جانی چاہیے. اب ٹھیک ہے آرگن ڈونیشن ایسے نہیں ہوتی کہ آپ چوز کریں کہ کس کو جانی ہے, لیکن سمبولکلی سر تھا اندھوں میں آپ آنکھ دے رہے ہیں نا, تو ہو سکتا ہے کہ کسی دن ان کو بھی روشنی نظر آ جائے. بڑا اچھا لگا ایک اشتہار میں نے دیکھا ابھی ٹی وی پہ, حافظ حسین احمد جو نائب امیر جمعیت علماء اسلام, وہ کہہ رہے تھے کہ جی آپ جو بھی آپ کے اعضا ہیں جو کام کر رہے ہیں وہ آپ کھلے دل کے ساتھ بغیر خوف و خطر اور کسی خدشے کے بغیر ڈونیٹ کر سکتے ہیں. تو اب یہ بھی ہو رہا ہے. تو حافظ حسین احمد بہرحال ایک معروف نام ہے. ہم اپنے خطے کے جتنے ممالک ہیں وہ اتنے زیادہ وہاں آرگن ڈونیشن ہوتا ہے, وہ چاہے مسلمان ممالک ہوں یا غیر مسلم ممالک ہوں, اور ہم ان چیزوں کے اندر پھنسے رہتے ہیں. تو ایسی اسٹوریز جو نا انسپائر کریں گے ہمارے معاشرے میں. آرگن ڈونیشن تو بہت آگے کی بات ہے سر, ہم تو ایک گلاس میں سے پانی بھی نہیں پیتے کبھی. صحیح بات, آپ نے ایسے لوگوں سے ملے ہوں گے کہ جی میں اس گلاس میں کیسے پی سکتا ہوں پانی, یہ تو اس نے استعمال کیا ہے. ٹھیک ہے میرا آسیہ بی بی کے کیس میں بھی یہ ایک بنیادی وجہ یہ بھی تھی. تو اسی پریس کانفرنس میں جہاں پر بجیر صاحب تھے, آپ نے جمعیت علماء اسلام کا بھی ذکر کیا. جی جمعیت علماء اسلام کے جو مولانا علی محمد جمالی ہیں عمر کوٹ میں, آئی تھنک مقامی ان کے رہنما ہیں شاید, تو انہوں نے کہا وہاں پر بھی اپنا ایک موقف پیش کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ جی پچھلے سال میرے جو والد صاحب ہیں مولانا عبد الرحمٰن جمالی, ایک ایونٹ میں ایک ہندو لڑکے کو بلایا تھا. اس نے کہا تھا یار یہ گلاس ہے اس کا آدھا پانی پی لو. تو اس نے آدھا پانی پیا تو اس نے پھر پورے جماعت کے سامنے مولانا صاحب نے بکیا باقی پانی پی لیا. اب اگین آپ کسی بعد والے ملک کو کسی کو کہو گے تو کہیں گے یار اس میں کیا اتنی بڑی بات ہے, لیکن بڑی بات ہمارے لیے ہے, ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے. تو اینی وے بڑی بات ہے, اور ایسے ہی ہمارا معاشرہ آگے بڑھے گا جب تک ہم ایک دوسرے کو انسان سمجھیں گے, سمجھنا شروع کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی, کل ملیں گے. پہلے وزیر اعظم جائیں گے, اس کے بعد ہم آئیں گے. 11:11 کا ٹائم صبح 11 بجے ان کا ٹائم ہے, رات 11 بجے ہمارا ٹائم ہے. بنگلہ دیش خاصی خبریں ہوں گی, کل دوبارہ ملیں گے. اجازت دیجیے, خدا حافظ.